हेलो दोस्तों, टंटपाल किचन एंड व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज मैं लेके आई हूँ कुकम्बर का जूस। इसे मैंने जूसर से नहीं निकाला है, मैंने कुछ खीरे कद्दूकस किए थे रायता बनाने के लिए, बस उनको कसा और उसका जो जूस था वो हमने छान के देखिए अलग कर लिया और तैयार हो गया कुकम्बर का जूस। इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा नमक, बस थोड़ा ही डालना है, बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे ब्लड के लिए। और सबसे अच्छी बात है, इसकी तासीर ठंडी होती है तो आपको पानी की जो शरीर में कमी है वो कमी दूर होगी और आपको तरावट मिलेगी। तो जब कभी भी अब आप खीरे का रायता बनाएं या आपको गर्मी महसूस हो, आप कुछ खीरे कद्दूकस करें, जूस निकालें, उसका सेवन करें और खीरे का रायता बना लें। ये टिप्स आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और मेरे चैनल कांटपाल किचन एंड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट्स और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। ओरिजिनल कुकम्बर जूस 10 मिनट में ही घर में तैयार।